बच्चों, आज हम पाठ एक कक्कू का सारांश सुनेंगे। यह कविता रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखी गई है। इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है कक्कू। कक्कू यानी तो कोयल होता है, लेकिन ये ऐसा बच्चा है जो दिन भर होता है, इसलिए बच्चे इसको सक्कू कहकर चिढ़ाते हैं। कोयल की आवाज़ तो मिश्री जैसी मीठी होती है, लेकिन इस बच्चे के साथ हंसी मजाक करो तो यह भड़क जाता है, इसलिए इसे बच्चे भक्कू भी कहते हैं। कक्कू यानी कोयल तो बहुत अच्छा गाना गाती है, लेकिन ये कैसा लड़का है जिससे तो गाना गाना आता ही नहीं है, और जो बात बात में चिढ़ जाता है और हमेशा हर किसी से झगड़ा करता है, इसलिए तो इसे झक्कू नाम से भी बुलाते हैं। लेकिन नाम क्या है इसका? कक्कू। इसमें ये बताया गया है कि यह बच्चा कक्कू कोयल के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों, आज मैं आपको शेखी बाज मक्की की कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में एक शेर सो रहा था। वह 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, तो उसके पास एक मक्खी आकर परेशान करने लगी। उसे वह बहुत भगाने की कोशिश किया, लेकिन मक्खी ने उसे घायल कर दिया। आखिरकार शेर लहूलुहान हो गया और वह मक्खी को बोला कि मैं तुमसे हारा और तुम जीती। तो मक्खी का घमंड बढ़ गया। फिर उसने जाकर हाथी से कहा कि मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, तुम मुझे प्रणाम करो। तो हाथी उसे प्रणाम कर दिया। फिर उसने लोमड़ी के पास गई और कहा कि मैंने तो जंगल के राजा और हाथी को हराया है, चलो मुझे प्रणाम करो। तो लोमड़ी ने उससे कहा कि आप तो बहुत धन्य हैं, लेकिन वहाँ जो है ना, वो आपको गाली दे रहा है। तो मक्खी बोली, कौन गाली दे रहा है? वो जो जाले में है वो आपको गाली दे रही है। जाला तो मकड़ी ने बना के रखा था। अब मक्खी तो इतने गुस्से से लाल पीली हो गई कि वो जाके मकड़ी को मारने के लिए गई, तो वहाँ मकड़ी के जाले में फंस गई। उसने बहुत कोशिश की अपने आप को निकालने की, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाई, और जितना निकालने की कोशिश करती थी और फंसती जाती थी। यह देखकर लोमड़ी धीरे धीरे मुस्कुराकर चल दी।